नंद अथवा नंद कल्याण राग, ये बहुत पुराना राग है और खास प्रचार में नहीं है। इसको लोग आनंदी या आनंद कल्याण के नाम से पुकारते हैं। थाट कल्याण, कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग करते हैं। जाति चारों संपूर्ण अर्थात अरोह में छह स्वरों का प्रयोग और अवरोह में सात स्वरों का प्रयोग होता है। तो इसका स्वरूप इस प्रकार है, नी सा ग म ग म प रे सा ग म नी सा म प प ध नी प ग म प म प ग प रे सा ग म ग म प म प सा नि द प द म प ग म ध प रे सा। ये चंचल स्वभाव का राग है। इसका अलाप विलंबित रूप से किया जाता है। हमेशा राग ऊपर चारों रागों से मिश्रण से हुआ है। कल्याण, अब इसमें एक बात देखने की योग्य है, म प ग प ग म इस तरह लेते हैं तो इसमें कमोद झलकता है। ग म ध प तो हमीर की छाया दिखाई देती है। नी स ग म ग प म प लेते हैं तो भ्यास की छाया आती है। इसके अतिरिक्त इस राग के वक्र चरण और पंचम तथा ऋषभ की संगति में गोड़ सारांग का रूप झलकता है। जैसे नी द नी प द म प ग म प रे सा। अब अरोह कैसे करेंगे इसका, स ग म प द नी प सा सा रे नी द प ध म प ग म द प रे स ग म। अब ये हुआ नंद कल्याण। अब इस राग में सितार पर एक थोड़ा रूप इसका और बंदिश बताऊंगा जो मेरी ही बजाई हुई है, विनोद कुमार शर्मा शागिर्द उस्ताद हशमत जी खान साहब। और अब लीजिए, ये पुरानी है, कभी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी तो इसलिए आज
धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।